नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बिहार को। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए बिहार पुलिस होमगार्ड प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है कोर्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर जो है कुछ संख्या दिया गया है, जो दोस्तों इसमें जो है गलत संख्या को चुनना है। आपको जो है चार ऑप्शन दिया गया, तो इन ऑप्शन में कौन सा गलत है आपको बताना है जो लिखा गया है इस तरह से। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर में यहाँ पर जो है 110 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाता है दोस्तों। उसी तरह फिर 2 प्लस करते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 12 करते हैं तो दोस्तों 156 आ जाता है। 144 प्लस 12 जो होता है 156। फिर आपका उसी तरह जो है 14 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, प्लस 14 करते हैं तो 196 प्लस 14 210 आता है। फिर उसी तरह 16 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256 आता है, प्लस 16 272 हो जाता है। फिर उसी तरह 18 का स्क्वायर करते हैं जो आपका 324 आता है, फिर 18 जो होता है 342। उसी तरह हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं जो संख्या जो है इस तरह से दिया गया है। लेकिन जो अब आपका जब 20 का स्क्वायर आता है, तो 20 को स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है, प्लस 20 करते हैं तो 420 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, 424 लिखा गया है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये संख्या जो है ये श्रृंखला में दिया गया है संख्या जो इस तरह से दिया गया, लेकिन ये संख्या जो है इस तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो ये संख्या क्या हो गया दोस्तों, 424 जो है जो आपको गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। ये शब्द क्या दिया गया है, चार ऑप्शन जो दिया गया, इसमें जो है सबसे फर्स्ट नंबर में जो शब्द आएगा कौन सा आएगा इसको आपको बताना है। तो कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर में यहाँ पर आपको किस तरह से लिखा गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको सबसे समझना कैसे है दोस्तों, जैसे आपको चार लिखा गया, जैसे ए बी लिखा गया है और यहाँ पर सी बी लिखा गया है और यहाँ पर जो है लिखा गया दोस्तों डी बी, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखा गया डी बी। तो इस तरह से बैठाना है दोस्तों, यहाँ पर जो कैसे आया, पहले फर्स्ट नंबर में ए बी आएगा दोस्तों, उसके बाद ही सी आता है, तो सी बी बैठे आया है दोस्तों यहाँ पर जो, फिर आपका डी बी आया। इस तरह से आपको इसमें भी करना, कैसे करना है दोस्तों देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में है कैरम, तो कैरम जो लिखा गया है सी ए, सी ए है तो आपका फर्स्ट नंबर में ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद आर है, ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू में आ सकता है सी ए ड फिर आर, तो ये हो सकता है। फिर आपका जो है सी आर ए, तो ये नहीं होगा दोस्तों, सी के बाद आर आ रहा है तो ये लास्ट चल जाता है दोस्तों, यहाँ पर ए आ गया तो ये हो सकता है। फिर आपका सी नंबर ऑप्शन है सी ए आर, सी ए आर, तो सी ए आर, तो यहाँ पर सी ए आर, और जो है डबल आर है, यहाँ पर जो है डबल आर है और यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोस्तों ओ है। कैरम में क्या है दोस्तों, ओ आ जाता है, तो इससे पहले नहीं आएगा दोस्तों, कैरम से पहले के जो है सी ए डबल आर आ रहा है कि नहीं, डबल आर आ रहा है यहाँ पर ओ आ जाता है, ये आपको इससे पीछे हो जाएगा। अब आपका जो है कैरटोन है सी ए आर टी है, तो सी ए आर टी है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये भी पाछे हो जाता है दोस्तों, किससे पाछे हो जाता है, सी ए आर टी आ जाता है, तो टी जो है इससे एम से पहले आता है टी, तो ये हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में कौन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सी, इस तरह से भी सजाया गया दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर में कैरियर, फिर आपका कैरम, कैरटोन, कैरेमिक, तो ये इस तरह से सजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी सबसे पहले नंबर में आपका आ जाएगा सी। अगर दोस्तों यहाँ पर समझने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आएंगे, यहाँ पर बड़ा वीडियो बन जाएगा इसीलिए आपको समझा नहीं पा रहा। अब जो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है विकास एक बिंदु से पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है। विकास जो है एक बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्व है, पूर्व से जो है दोस्तों ये 20 मीटर की ओर जाता है, ठीक है दोस्तों।
सबसे फर्स्ट नंबर में आप एक दिशा का चित्र है यहाँ पर देख सकते हैं। ये उत्तर है दोस्तों, ये है पश्चिम, ये है पूरब, और ये नीचे जो है ये दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो देख सकते हैं ये आपका दक्षिण है, और आपका और ये भाग जो होता है दोस्तों उत्तर पूर्व का, और ये भाग दक्षिण पूर्व का, ये दक्षिण पश्चिम का, ये उत्तर पश्चिम के। तो ये चित्र आप समझ में आ गया होगा दोस्तों आप कैसे बनाते हैं। तो कहता है क्या दोस्तों क्वेश्चन, जो है एक बिंदु से पूर्व की ओर 20 मीटर चलना है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है दोस्तों, और फिर वह जो है दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं किधर हो जाता है दोस्तों, इधर हो जाता है दाएं। ठीक है, फिर मुड़ता है दाएं, और वह फिर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाएं मुड़कर ये 5 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो ये दाएं मुड़ जाता है, इस टाइप से इधर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये चलना शुरू किया और फिर यहाँ आ गया। तो आपको जो है फिर जो है क्या कहता है दोस्तों, जैसे दोस्तों फिर से देख लीजिए, पहले 20 मीटर चलता है, फिर वह जो है क्या करता है, दाएं मुड़ता है, सॉरी दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है, और फिर वह जो है फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 मीटर ये चलता है, ये 10 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है, फिर वह जो है फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर वह क्या करता है, वह जो है दाएं मुड़ जाता है। तो इस तरह से चित्र बनेगा दोस्तों यहाँ पर से ये चित्र भी। अब आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये चित्र, और इसमें आपको जो है किस दिशा में है। तो अब आपका ये दिशा है दोस्तों, इधर क्या है, ये आपका ये दक्षिण दिशा है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण पूर्व की दिशा है, इधर देख सकते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व की दिशा में है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में है। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है क्वेश्चन क्या दोस्तों, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। ये जो है दिया गया है ए नंबर, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी नंबर, डी नंबर, इसमें जो विषम अक्षर का चयन करना है, जो विषम कौन है जो इस तरह से लिखा गया। तो सबसे फर्स्ट नंबर में ए को देखना है, तो के पी लिखा हुआ है दोस्तों, एम आर लिखा है, तो के बाद कितना अक्षर के, कितना अंतराल के बाद जो है दोस्तों ये पी लिखा गया, ये आपको देखना है। तो कितना अक्षर के है दोस्तों, तो 5 के बाद के एल एम एन ओ पी, तो 5 अक्षर है दोस्तों, 5 का अंतराल ये। फिर दोस्तों एम को देखना, एम का कितना अंतराल है दोस्तों, तो एम के बाद आर जो आता है वो भी होता है 5 का अंतराल, तो ये भी 5 हो जाएगा दोस्तों। और फिर एच है, एच को देखिए दोस्तों, एच के बाद एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पर जो है ये गड़बड़ा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आना चाहिए था M, लेकिन यहाँ पर आ रहा है H के बाद H I J K L M, तो यहाँ पर M आता दोस्तों 5 का अंतराल होता, जिसे आपका G भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो G के बाद क्या है दोस्तों, J G H I J K L, 5 का अंतराल है कि नहीं दोस्तों यहाँ पर जो है। तो कौन सा ऑप्शन जो है विषम है अक्षर है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों 5 का अंतराल में जो नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितना का आ रहा है दोस्तों, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 10 का अंतराल हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी विषम ये तीनों में से ये एच सी जो है गलत ऑप्शन, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते। अब जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुने, जो विकल्प अवयव को पूरा करेगा। जो इसमें जो है जो खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है पूरा करेगा जो यहाँ पर है, कौन सा ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर में ये जो है तीर का उस निशान ऊपर की ओर, ये तीर का निशान नीचे, ये तीर का उस निशान ऊपर, तो इस तरह से इसमें भी है दोस्तों, इसमें भी देख सकते हैं, एक त्रिभुज है ऊपर की ओर, और एक त्रिभुज नीचे की ओर, एक त्रिभुज ऊपर की ओर, एक और तीर जो दिया गया है ऊपर नीचे और ऊपर, इसमें इस तरह भी देखना है दोस्तों, इसमें जो है जो आपका दोस्त 6 भुज है जो आपका जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपका एक जो है समकोण की तरह जो ऊपर की ओर है, और इसमें नीचे की ओर है, तो इसमें जो है एक 6 भुज होगा दोस्तों, और एक
जो है ऊपर की ओर इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको किस में दिख रहा है, इसमें से चारों में से ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा दोस्तों, यानी जो आपका ये जो है आपका इस तरह से है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। और ये एक क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको किस तरह से बनता है, दिए गए आंकड़ों को वर्गों की संख्या को गणना करें। तो इसमें वर्ग को आपको एक ट्रिक होता है दोस्तों गिनने का, कितना इसमें वर्ग दिया गया है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों सी नंबर ऑप्शन होगा 24, इसका राइट आंसर 24 वर्ग इसमें है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, दिए गए चित्र संख्याओं के नियम अनुसार लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको एक ट्रिक से बनता है दोस्तों, आपको वो ट्रिक बता देंगे अगले वीडियो में। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन मार्क्स में जो आपको दिया गया है कौन सा होगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन यानी 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। शब्दों को ऐसे युग्म को चुनिए जो अगला अलग तरह से संबंधित है, जैसे आरी को संबंधित किया गया है लकड़ी से। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है। पेन को संबंध किया गया कागज को, लेखक को संबंध किया गया किताब से, और चौक को संबंध किया गया ब्लैक बोर्ड से। तो ये आपको इसमें कौन सा आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर आपको दिमाग लगाना दोस्तों, यहाँ पर आरी है तो लकड़ी, ये जो है पेन है तो कागज है, पेन जो है चलता है कागज पर, और आरी जो है चलता है लकड़ी पर, लेकिन लेखक जो है सिर्फ किताब के लिए नहीं है बल्कि और जो है संबंधित नहीं हो सकता दोस्तों, लेखक का सिर्फ किताब से ही नहीं हो सकता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ये संबंधित नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको इतना तक ही है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।